हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वाईफाई पॉइंट में, जिसमें हम आपके लिए जीके जीएस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत के शास्त्रीय नृत्यों की सूची ट्रिक्स के साथ। तो फ्रेंड्स, हमारा चैनल लाइक शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स देखिए, पहले मैं आपको बता देती हूँ कि शास्त्रीय नृत्य क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, शास्त्रीय नृत्य भारत की प्राचीन नृत्य होती है, जो शैली है प्राचीन नृत्य की शैली है, जिसके द्वारा महान भारतीय सांस्कृतिक और परंपराओं के प्रतिरूप को संगीत तथा पारंपरिक वस्त्रों और रास तथा भाव द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसपे हमारे हाव भाव का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। ओके, तो वर्तमान समय में संगीत नाटक अकेडमी द्वारा 8 नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज मैं ये सारे 8 नृत्य आपको बताऊंगी और उन्हें ट्रिक्स से जो आपको याद करने में आसानी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स हमारा पहला है कथक। ठीक है, पहला क्या है? कथक। यह भारत की अति प्राचीन नृत्यों में से एक नृत्य है, जो मुख्य रूप से संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित है और यह भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। ओके फ्रेंड्स, तो ये जो कथक नृत्य है, ये पूरे उत्तर भारत में प्रसिद्ध है, पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है और ये भगवान श्री कृष्ण को समर्पित की गई है। तो फ्रेंड्स, हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए अगर, और कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। तो नेक्स्ट है फ्रेंड भरतनाट्यम। तो भरतनाट्यम मुख्य रूप से तमिलनाडु राज्य का नृत्य है, जिसकी उत्पत्ति हिंदू मंदिरों में हुई थी और भरतनाट्यम को सादिर भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, आप भरतनाट्यम को याद रखिएगा कि राम जी के जो भाई थे भरत, उन्हें तमिल बोलना नहीं आता था। ठीक है, तो इसलिए तमिलनाडु में तमिल बोला जाता है। तो राम जी के भाई को तमिल बोलना नहीं आता था, तो राम जी के भाई कौन से भाई को नहीं आता था? तो भरत जी को तमिल बोलना नहीं आता था। तो इस तरह से आप इसे याद रख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। फ्रेंड्स उसके पहले मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए, और हमें कमेंट करके आप बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक पे चाहिए वीडियोस, मैं उस टॉपिक पे बनाने की कोशिश करूँगी। तो अब नेक्स्ट है कथकली। इसकी उत्पत्ति फ्रेंड्स केरल में हुई थी। कहाँ हुई थी? तो केरल में हुई थी, और इसका विकास हिंदू प्रदर्शन कला के रूप में हुई थी। ठीक है, तो किसकी उत्पत्ति केरल में हुई थी? तो कथकली की। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल का। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखिएगा कि केरल में एक करेले की कथा सुनाई जाती है, तो करेले से आप याद रखेंगे केरल और कथा से याद रखेंगे कथकली। ठीक है, केरल में करेले की कथा सुनाई जाती है, यानी केरल का नृत्य कौन सा है? तो कथकली है, और ये इसकी उत्पत्ति विकास हिंदू प्रदर्शन कला से हुआ था। नेक्स्ट है गाइस हमारा कुचिपुड़ी। क्या है फ्रेंड्स? कुचिपुड़ी, और इस नृत्य की उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी और यह नृत्य भी भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश के लोग अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा गए। ठीक है, क्या याद रखेंगे? कि आंध्र प्रदेश के लोग अंधेरे में कच्ची पूड़ी खा जाते हैं। तो अंधेरे से हो जाता है आपका आंध्र प्रदेश और कच्ची पूड़ी से हो जाएगा कुचिपुड़ी। तो आप इस ट्रिक से इसे याद रख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स कि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा होगा और मेरे ट्रिक्स भी आपको पसंद आ रहे होंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड मोहिनी अट्टम। क्या है फ्रेंड? मोहिनी अट्टम। यह नृत्य केरल में भगवान विष्णु के रूप मोहिनी से प्रादुर्भित हुआ था, तथा इसे संस्कृत मलयालम के मिश्रित रूप मणिप्रवालम भाषा के गान द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि कौन से भाषा के गाना द्वारा इसे प्रदर्शित किया जाता है, तो आप बताएंगे मणिप्रवालम। और फ्रेंड्स इसका ट्रिक है कि
केरल में मन मोहने वाली लड़कियां मिलती हैं, तो इसलिए आप इसे याद रखेंगे कि केरल का नृत्य कौन है, तो मोहिनी अट्टम, जहां से लड़कियां बहुत मन मोहिनी होती हैं कि देखते ही मोह लेती है। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी से फ्रेंड देखिए, तो फ्रेंड्स इस नृत्य की उत्पत्ति ओडिशा के मंदिरों में हुई थी, जब भगवान विष्णु के अवतार भगवान जगन्नाथ को समर्पित है, ठीक है, ये भगवान जगन्नाथ को समर्पित किया गया है। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे कि उड़ीसा में लोग ओडिसी नृत्य चलता है, ठीक है, उड़ीसा का नृत्य क्या है, तो ओडिसी, तो इसे आप याद रखेंगे कि चुन्नी उड़ गई, तो इसलिए लोग पूछ रहे थे लोगों से कि आपने चुन्नी नहीं ओढ़ी, ठीक है, चुन्नी क्या हुई, उड़ गई, चुन्नी उड़ गई, उड़ गई से होगा फ्रेंड ओडिशा, ठीक है, और लोग पूछते हैं कि आपने चुन्नी नहीं ओढ़ी, तो ओढ़ी से हो जाएगा ओडिसी, ओके। तो फ्रेंड्स चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा सतारिया। इस तो फ्रेंड्स सतारिया नृत्य की उत्पत्ति असम में हुई थी, और इस नृत्य की प्रस्तुति राधा कृष्ण और भगवान राम और सीता पर आधारित है। तो फ्रेंड्स आप इसे याद रखेंगे कि देखिए फ्रेंड्स हम सब जानते हैं कि असम में चाय का उत्पादन किया जाता है, तो आप याद रखिएगा कि इस बार असम में इतनी चाय की उत्पत्ति हुई, इतना चाय का उत्पादन हुआ कि चाय बहुत ही सस्ते दामों में बिकी। किस दाम में बिकी, तो सस्ते दाम में बिकी, बहुत सस्ता चाय मिला, ठीक है, तो इसलिए आप याद रखिएगा असम से सतारिया, सतारिया से हो जाएगा सस्ता, ओके। तो नेक्स्ट है गाइस मणिपुरी। क्या है फ्रेंड्स, तो मणिपुरी, और मणिपुरी नृत्य की उत्पत्ति मणिपुर में हुआ था, इसलिए इसका नाम मणिपुरी पड़ा है, और इस नृत्य में भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रेम प्रसंग को प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात राधा जी और श्री कृष्ण ने जो रास रसाया था उसे ही इस नृत्य के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप इसे बहुत आसानी से याद रख सकते हैं कि मणिपुर का नृत्य कौन सा है, तो मणिपुरी, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आपको हमारे ट्रिक्स भी पसंद आए होंगे, तो अगर आपको और भी वीडियोस की शॉर्ट ट्रिक चाहिए तो आप मुझे उस वीडियो के नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको कौन सी वीडियो की शॉर्ट ट्रिक चाहिए, मैं उसे लाने की ज़रूर कोशिश करूँगी। तो फ्रेंड्स हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं तो। थैंक यू।